ये रोहिंग्या ये विषय एक गंभीर प्रश्न है। सोचना ये चाहिए कि वो म्यांमार से उनको निष्कासित क्यों किया जा रहा है। कोई भी सरकार दुनिया के नक्शे पर अनावश्यक रूप से कोई द्वेषमूलक कदम नहीं उठाती, और इसलिए म्यांमार सरकार को जब अनुभव आया कि इनके कारण कुछ समस्याएं खड़ी हो रही है तो उनको वहां से निष्कासित किया गया। अब वो निष्कासित होने के बाद और कहीं तो उनको आश्रय नहीं मिला शायद। उनके पड़ोस में चीन था, उनके पड़ोस में इंडोनेशिया था, ऐसे देशों में तो गए नहीं, और वो भारत की सीमा में आ गए हैं।